ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुए डबल मर्डर से बिजनौर ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया है। दो अज्ञात बदमाशों ने बसपा के नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हाजी एहसान और उनके भांजे शादाब को गोलियों से छलनी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को हाजी एहसान कार्यालय में बैठकर धार्मिक किताब पढ़ रहे थे। सांसद की जीत पर मिठाई के डब्बे पिस्टल में लेकर बदमाश आए। दो लोगों ने कार्यालय में मिठाई के डब्बे लेकर अंदर गए और हाजी एहसान और शादाब पर गोलियां चला दी। गोली की आवाज सुनते ही लोग इकट्ठा हो गए। हाजी एहसान और शादाब को अस्पताल लेकर जाया गया मगर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही बसपा नेता के परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद बाजार और मोहल्लों में दहशत का माहौल बन गया। वो राहुल ने देखी, राहुल कौन सी भाई थी? काली, उनकी स्प्लेंडर है साहब, काले रंग की स्प्लेंडर है। एक लड़का भाग रहा था, दो बता रहा है, मैंने दो को देखा है। ये भागे कोर्ट आगे तरह और वहां से भागते हैं। इनकी कैब गिरी, बदमाशी यहां पड़ी है। क्या भागे वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आखिर कौन है वो हत्यारा, किसने की हाजी एहसान और शादाब की हत्या? माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी है। अब सवाल उठता है कि वाकई में प्रॉपर्टी विवाद है या किसी और वजह से हत्या हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब जाँच पूरी होने पर ही पता चलेगा कि हत्या के पीछे क्या राज है और कौन हत्यारा है, किसने हाजी एहसान और शादाब पर गोलियां चलाई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।